बहराइच में जिस तरह से दो समुदाय के बीच कहीं ना कहीं देखा गया है हिंसा का एक रूप, अभी की जो स्थिति है कहीं ना कहीं सामान्य हो गई, इस पूरे स्थिति को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद गंभीर होना पड़ेगा। वो कहते तो हैं कि लोगों की आस्था का ध्यान रखना चाहिए, लोगों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, दूसरे धर्म से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहराइच में हुआ क्या? बहराइच में मुस्लिम बस्ती के घरों पर चढ़कर के मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर लगाए गए हरे झंडे को किस तरीके से नोचा गया, तोड़ा गया, और साथ ही साथ उसके छत का बारजा गिराया गया। गिराने वाले लोग जय बजरंग बली का नारा लगा रहे थे, नीचे खड़ी भीड़ भी जय बजरंग बली का नारा लगा रही थी। आखिर क्या जय बजरंग बली का नारा किसी के घर पर चढ़ करके तोड़फोड़ करने का लाइसेंस है क्या? और दूसरी ओर एक दूसरी भीड़ को हमने वीडियो पर देखा जो कई घरों में आग लगाते हुए आगे जा रही थी, पुलिस लोग देख के तमाशा देख रहे थे, कोई दखल नहीं दिया आग लगाने वाले को रोकने के लिए, वो नारा लगा रहे थे जय श्री राम। क्या जय श्री राम का नारा किसी के घर में आग लगाने का लाइसेंस है? क्या जय श्री राम का नारा तोड़फोड़ लूटपाट करने का नारा है? क्या जय श्री राम का नारा किसी धर्म विशेष को मारने पीटने जलाने का नारा है? स्वाभाविक रूप से अगर हिंदू को जय श्री राम से प्यार है तो दूसरे धर्मों वालों को भी अपने धर्मों से प्यार है। अगर हमें अपनी आस्था का ख्याल है तो दूसरे की भी आस्था का ख्याल करना चाहिए। और इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने पुलिस अधिकारियों को इस बात का निर्देश देना चाहिए कि निष्पक्ष भाव से काम हो। अब अभी गोपाल मिश्रा को गोली किसने मारी ये तय नहीं हुआ, किसकी गोली से मरा, हिंदू की गोली से मरा या मुस्लिम की गोली से मरा, यह अभी तय नहीं हो पाया। लेकिन एक तरफा कार्रवाई एक वर्ग विशेष पे हो रही, आखिर क्यों? जिन लोगों ने दुकानों को जलाया उनका उनके खिलाफ क्यों नहीं? जिन लोगों ने मुस्लिम घरों पर तोड़ करके झंडा गिराया और उनका बारजा गिराया उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत भेदभावपूर्ण कार्रवाई जब तक चलती रहेगी तब तक लैंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाएगा। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए निष्पक्ष होना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री एक जाति वर्ग विशेष के नहीं है, वो पूरे उत्तर प्रदेश के हैं। आज तमाम पीड़ित आए थे बहराइच के मुलाकात करने मुख्यमंत्री आवास पर, तो स्वाभाविक रूप से वो बुलाया गया था। अगर गोपाल मिश्रा की गोली से मौत हुई घटना दुखद है, हमारी भी संवेदना उसके साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसको बुलवा के मिल भी रहे हैं परिवार को, लेकिन यहां पर विकास नगर की पुलिस यानी योगी जी की पुलिस ने अमन गौतम की हत्या की। अमन गौतम का परिवार क्यों नहीं याद आया माननीय मुख्यमंत्री जी को? क्या गोपाल मिश्रा ब्राह्मण समाज में है इसलिए उनकी बहुत मौत ज्यादा माने रखती है, और अमन गौतम दलित समाज का है इसलिए उसकी मौत का कोई मतलब नहीं है क्या? उसकी मौत का कोई कीमत नहीं है क्या? तो स्वाभाविक रूप से संवेदनशीलता के साथ अमन गौतम के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मुख्यमंत्री जी को घोषणा करनी चाहिए, और साथ ही साथ इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराना चाहिए।